वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम लोग यहाँ पर बात करेंगे क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में। सो चैप्टर 1 रियल नंबर्स के एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में गाइस हम लोग बात करेंगे। जैसे कि हम लोग प्रीवियस वाली वीडियोस में चैप्टर 1 के 30 क्वेश्चंस पार्ट 1 ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, चैप्टर 2 के भी कर चुके हैं, अदर चैप्टर्स के भी कर चुके हैं, एंड रियल नंबर्स के केस स्टडी भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। सो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल पर जाकर सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, बिकॉज चैप्टर में जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे ना क्वेश्चन की, एमसीक्यू क्वेश्चंस की, उतना बेटर होगा एंड 40 आउट ऑफ 40 आप इजीली मार्क्स को अचीव कर सकेंगे। सो सभी टाइप्स के कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए सभी टाइप्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए, जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं एक बार सभी सॉल्व कर लीजिए। ओके, सो यहाँ पर हम लोग आपकी जो आदर्श अग्रवाल की बुक के पीछे क्वेश्चन दिए हैं एमसीक्यू क्वेश्चन, वो सभी सॉल्व करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि जो आपकी आदर्श अग्रवाल की बुक में एमसीक्यू क्वेश्चन दिए गए हैं उनका भी सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाए। सो यहाँ पर हम लोग विद सॉल्यूशन विद प्रूफ सभी चीजें सॉल्व करेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना, एक एक स्टेप देखना कैसे हम सॉल्व करने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। वो जो पॉइंट्स होते हैं वो हमेशा आपके क्वेश्चंस में काम आते हैं, मे बी कि डिजिट चेंज करके आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, ठीक है। तो आपको इसलिए सभी क्वेश्चन के बहुत ही पॉइंट्स को, सभी पॉइंट्स को बहुत ही ध्यान से सुनना है, जिससे आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। नाउ क्वेश्चन 1, यू कैन सी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेयर ऑफ कॉप्लाइम्स। सो यहाँ पर हम लोगों को कॉप्लाइम्स नंबर के बारे में बात की गई है गाइज। सो कोप्लाइम नंबर, वी नो दैट HCF ऑफ टू कोप्लाइम नंबर इज 1। सो हमें क्या करना है, देखना है कोप्लाइम नंबर क्या होता है जिनका HCF क्या है, 1 आए, ठीक है। तो हमें ये 4 नंबर्स दिए हुए हैं, सो इनका सबसे पहले HCF देखते हैं। सो 1435 का HCF 7 आ जाएगा, 1825 का 1 आएगा, 3193 का 31 आएगा, 3262 का आपका कितना आ जाएगा, 30 एंड 60, ठीक है। तो यहाँ पर आप 60 कर लेंगे इसको, 32 एंड 60 का गाइज आपका 4 आ जाएगा, राइट। नाउ अब हमें क्या करना है, कोप्लाइम नंबर कौन से होते हैं जिनका HCF आपका 1 होता है। सो हमने यहाँ से देखा कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर, बिकॉज HCF ऑफ 18 एंड 25 इज 1, सो दिस इज द राइट आंसर। तो हमें कोप्लाइम नंबर वही होते हैं जिनका HCF 1 होता है, दैट मीन्स ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर, ठीक है। सो कोप्लाइम नंबर अच्छे से मालूम हो गए ना, कोप्लाइम नंबर जहाँ पर दो नंबर का HCF क्या हो, 1 हो। और वैसे भी प्राइम नंबर्स आप जानते हैं अच्छे से किससे डिवाइड होते हैं, 1 से या फिर खुद से। बट कोप्राइम्स की बात करें तो कोप्राइम्स का मतलब ये होता है कि दो नंबर और उनका HCF 1 हो, तो वो ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं, आपके कोप्राइम नंबर कहलाते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, इफ ए इक्वल्स टू दिस एंड बी इक्वल्स टू दिस देन फाइंड द HCF। सो HCF क्या देखते हैं, HCF में हम लोग गाइज लोएस्ट पावर देखते हैं, दैट मीन्स 2 की लोएस्ट पावर, यहाँ पर 2 है यहाँ पर 3 है, तो लोएस्ट पावर क्या हो जाएगी, 2। यहाँ पर 3 की पावर 3 है यहाँ पर 3 की पावर 2 है, तो लोएस्ट पावर 2 हो जाएगी। यहाँ पर 5 की पावर 1 है यहाँ पर 5 की पावर 4 है, तो लोएस्ट पावर क्या हो जाएगी, 1। दैट मीन्स 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 एंड इंटू 5, दिस इज द आंसर। नाउ बिकॉज मल्टीप्लीकेशन दिया हुआ है सो इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे, सो आंसर इज 180। इट मीन्स ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर, सो इस पर क्लिक कर लीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन एक एग्जाम में आएगा ही आएगा, सो इसलिए अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, HCF LCM पूछा ही जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, HCF ऑफ दिस दिस दिस, ठीक है। अभी तक आपको ए बी इस टाइप से दे दिया था, लेकिन अब डायरेक्टली इस टाइप से दे दिया, तो इसमें भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है गाइस। 3 ऑप्शन दिए, तीनों का HCF ले लीजिए। सो देखते हैं HCF, लोएस्ट पावर ऑब्वियसली 2 की पावर 2, 3 की पावर के लिए यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 1 है यहाँ पे 2 है यहाँ पे 3 है, तो ऑब्वियसली 3 की पावर 1 लोएस्ट होगी। 5 के लिए देखते हैं 1, 2, 3, तो 5 की लोएस्ट पावर 1 है, 7 यहाँ पर नहीं है तो नहीं लेंगे, ठीक है। एक ही में है, बाकी में नहीं है, जहाँ पर नहीं होता इट मीन्स वहाँ पर क्या होगा, 7 की पावर 0 होगा, लोएस्ट के लिए देख रहे हैं ना, और किसी की भी पावर 0 तो उसकी वैल्यू 1 होती है, इसलिए हम 7 नहीं लेंगे। सो यहाँ से आपका 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 इंटू 5, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा 2 की पावर 2, 3 इंटू 5, दैट मीन 60 इज योर आंसर, मल्टीप्लाई करेंगे, सो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर, ओके। नाउ क्वेश्चन 4 की तरफ मूव करते हैं, LCM ऑफ दिस। तो LCM क्या लेते हैं, हाईएस्ट पावर, HCF में क्या लेते हैं, लोएस्ट पावर, तो LCM में क्या लेते हैं गाइज हम लोग, हाईएस्ट पावर, ठीक है। ग्रेटेस्ट पावर देखेंगे तो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 या 4, 4 है ऑब्वियसली, यहाँ पर 3 है यहाँ पर नहीं है, जहाँ पर नहीं होता वहाँ पर क्या होता है, 3 की पावर 0 होगी, इट मीन्स उसकी वैल्यू क्योंकि 1 होती है, सो हम लोग क्या लेंगे, हाईएस्ट पावर 1 लेंगे, यहाँ पर नहीं है यहाँ पर है, तो यानी कि 3 की पावर 1 लेंगे। यहाँ पर 5 है यहाँ पर भी 5 है, तो 5 की पावर 1 है वो ही लेंगे। यहाँ पर 7 की पावर 1 है यहाँ पर नहीं है, सो ये मैं क्रॉस चेक के लिए गाइस आपको बताती हूँ, यहाँ पर नहीं है इट मीन्स 7 की पावर यहाँ पर कुछ 0 हो, क्योंकि 7 की पावर 0 की वैल्यू तो 1 होती है, तो आप अज्यूम कर लीजिए खुद से,
ठीक है ना, तो इसलिए हम क्योंकि हाईएस्ट पावर लेते हैं, तो यहाँ पर 7 की पावर 0, यहाँ पर 7 की पावर 1, तो क्या होगा 7 की पावर 1 होगा। सो यहाँ से देख सकते हैं 2 की पावर 4, 3, 5, 7, दैट मीन्स इन सबका मल्टीपल करेंगे तो 1680, इट मीन्स ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। क्लियर है ना आप सभी को, अच्छे से समझ आ गया एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द एच सी एफ ऑफ टू नंबर इज 27, देयर एल सी एम इज 162, इफ वन ऑफ द नंबर इज 54, देन फाइंड द अदर नंबर। सो नॉर्मली आप फॉर्मूला जानते हैं, एच सी एफ इंटू एल सी एम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स। नाउ फ्रेंड्स सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सो देखते हैं हम लोग यहाँ पर, एच सी एफ ऑफ टू नंबर इज इक्वल्स टू 27, एल सी एम इक्वल्स टू 162, वन नंबर इक्वल्स टू 54। सो ऑब्वियसली वही फॉर्मूला जैसे कि मैंने आपको बताया था, एल सी एम इंटू एच सी एफ किसके इक्वल होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, मीन्स दोनों गिवन नंबर। सो सेकंड नंबर किसके इक्वल हो जाएगा, एचसीएफ इनटू एलसीएम, एंड जो वन नंबर है फर्स्ट नंबर है वो डिवाइड में चला जाएगा। सो एलसीएम एचसीएफ 27, एलसीएम 162 एंड फर्स्ट नंबर 54, सो 27 टू जा 54, तो यहां पर आपका 162 अपॉन 2 रह गया, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, दैट मींस ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 1600 एंड देयर एचसीएफ इज 5, सो एलसीएम फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पर एक चालाकी कर दी है गाइज आपको, वो जो आपको फर्स्ट और सेकंड नंबर इससे पहले क्वेश्चन में गिवन था ना, यहाँ पर उन दोनों का प्रोडक्ट दे दिया। ठीक है, सो जो फर्स्ट और सेकंड नंबर है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 1600, मीन्स उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट दे दिया 1600, एचसीएफ दे दिया, एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो सेम आप एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर डिवाइड बाय एचसीएफ से आपका आंसर आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 1600 एंड एचसीएफ 5 है, तो डिवाइड करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 320, दैट मींस ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स ईच वन ऑफ 1152 एंड 1664 एग्जैक्टली। सो गाइज कभी भी इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाए, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड दिस नंबर। सो मैंने, अगर आपने मेरी एक्सरसाइज जो 2B है वो उससे क्वेश्चन अच्छे से किए हैं, तो मैंने इन दोनों चीज़ों में अच्छे से डिफरेंस बताया। जब भी हम डिवाइड्स की बात करते हैं, डिवाइड्स मीन्स इन दोनों नंबर को डिवाइड कर दें, ठीक है, तो हम एच सी एफ करते हैं कैलकुलेट। और अगर आपसे पूछा जाए डिविजिबल बाय, मीन्स ऐसा नंबर जो इन नंबर से डिविजिबल हो जाए, तो तब हम एल सी एम कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि जो नंबर डिविजिबल हो सकता है उन दो नंबर से, इट मीन्स वो ग्रेटर वैल्यू होगी, और जो नंबर इन दोनों नंबर को डिवाइड कर सकता है, इट मीन्स वो उनसे छोटा होगा। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, एच सी एफ कैलकुलेट करना है। लार्जेस्ट नंबर से कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि लार्जेस्ट नंबर वो नंबर होता है, मींस वो सबसे बड़ा नंबर जिससे उसे नंबर कोई नहीं है जो इनको डिवाइड कर सके, तो वो लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स ईच वन इंडिविजुअली एग्जैक्टली। सो हम एच सी एफ कैलकुलेट करेंगे गाइज यहाँ पर। तो हमने एच सी एफ कैलकुलेट किया, एच सी एफ को डायरेक्टली आप फैक्टर से भी कर सकते हैं या फिर डिविजिबल मैथड से भी कर सकते हैं। तो डिवाइड करेंगे तो लास्ट प्राइम फैक्टर, लास्ट फैक्टर क्या है आपका 128 है। जब आपका लास्ट में डिवाइड हो जाए तो वो क्या कहलाता है आपका 128, वही आपका एच सी एफ कहलाता है। डिविजिबल मेथड आपने अच्छे से किया है ना, मैंने एक्सरसाइज 1A में बहुत अच्छे से किया कराया हुआ है आप लोगों को डिविजन मेथड। नाउ इट मींस ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। सो गाइज ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, यहाँ पर आपका 128 क्या होगा, एच सी एफ होगा। ठीक है, तो आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं, फैक्टर मेथड से भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप इसी मेथड से ही करें। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the largest number that divides 70 and 125 leaving remainder as 5 and 8 respectively? So again आपसे क्या बोला है, लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। नॉर्मली सब जानते हैं कि लार्जेस्ट नंबर के लिए आप एच सी एफ करते हैं, लेकिन ये पॉइंट्स बहुत क्वेश्चन की जगह पर कन्फ्यूजन हो जाता है। जैसे कि आपने अगर एक्सरसाइज 2B कम्प्लीट की है तो उसमें लास्ट के क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होता ही होता है। लेकिन इस जो आपका ये स्टेटमेंट है दैट डिवाइड्स, मीन्स वो नंबर को डिवाइड करे तो एच सी एफ आएगा। और जब आपका आता है डिविजिबल बाय, मीन इन नंबर से डिवाइड हो जाए, डिविजिबल बाय मीन्स वो डिवाइड हो जाए, तो डिविजिबल बाय आए तो हम लोग एलसीएम ही कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, नाउ एचसीएफ कैलकुलेट करेंगे।
ठीक है, लिविंग रिमाइंडर एज 5 and 8 रेस्पेक्टिवली, तो इसमें 5 रिमाइंडर छोड़ता है, इसमें 8, तो ऑब्वियसली आप क्या करेंगे, पहले ही 70 में से 5 माइनस कर दीजिए एंड 125 में से 8 माइनस कर दीजिए, और जो नंबर आएगा आपका 65 and 117, इनका HCF ले लीजिए, देखने से ही पता चल रहा है कि इन दोनों का जो HCF होगा वो 13 होगा, राइट? तो गाइज इसका जो HCF आएगा वो 13 आएगा, इट मीन्स ऑब्वियसली ए इज योर राइट आंसर, ठीक है? सो आप देख भी सकते हैं HCF 65 रिमाइंडर रहता है, अब 52 65 को डिवाइड करेगा 1 times, फिर 13 रिमाइंडर आ गया, 52 को 13 डिवाइड करेगा तो 13 4 52, दैट मीन्स लास्ट वाला क्या होता है आपका जो ये जिससे डिवाइड करता है, तो ये क्या कहलाता है आपका डिवीजर, ये आपका 13 HCF कहलाएगा, लास्ट डिवीजर जो होता है, ठीक है? ये आपका डिवीजर होता है, ये डिविडेंड होता है, ये क्वेश्चेंट होता है, ये रिमाइंडर होता है, तो जो लास्ट वाला डिवीजर होता है वही आपका HCF कहलाता है, ओके? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 245 एंड 1029 लिविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस? तो गाइज आपसे क्या बोला है कि दो नंबर गिवन है और आपसे क्या करना है, आपको इनका लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जो इनको इजिली डिवाइड कर सके। सो सेम करेंगे, क्योंकि 5 इन ईच केस रिमाइंडर दे रख रहा है, तो दोनों में से सबसे पहले 5 ही माइनस कर दो, और डिवाइड्स करता है, ऑब्वियसली डिविजिबल बाय तो नहीं है, तो डिवाइड्स करता है, इन दोनों नंबर को डिवाइड करता है, इट मीन्स HCF कैलकुलेट करेंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है? तो सबसे पहले 5 माइनस कर दिया हम लोगों ने, तो 240 1024 आएगा, देन इनका HCF कैलकुलेट कर दिया, तो 244 960, 54 रिमाइंडर, ना 54 अब डिविजर बन जाएगा, 240 आपका डिविडेंड आ जाएगा, तो 54 4 192, ना 48, तो 48 56 इसको 54 को डिवाइड करेगा गाइज, यहाँ से आपका जब डिवाइड करेंगे तो 4 and 12 में से आपका 6 जाएगा, तो क्या बचेगा, 6 बचेगा गाइस, यहाँ पर 6 रहेगा, 54 नहीं 6 रहेगा, ठीक है? तो इसको आप चेंज कर लेंगे, 64 4 टाइम डिवाइड करेंगे 192, 48 वन ज़ा 48 एंड 64 थ्री ज़ा 48, तो इस तरीके से 16 आपका क्या होगा, फाइनली आपका यहाँ पर डिविजर होगा, और जो लास्ट डिविजर होता है वही HCF होगा, इट मीन 16 इज योर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 1095 एंड 1168। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स एक घंटे तक सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते रहते हैं, ठीक है? तो इसका सबसे सॉल्यूशन, आप अगर कंफ्यूज हो रहे हैं डिवाइड करने में, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने में, पहले 2 से फिर 3 से फिर 5 से, इस टाइप से करते हैं ना, तो सीधा सीधा सॉल्यूशन है, दोनों का HCF ले लीजिए, ठीक है? जो दोनों का HCF आएगा उससे इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि HCF लेने के बाद जब आप डिवाइड करते हैं तो उससे छोटी कोई सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं हो सकती, ठीक है? तो HCF ले लिया आपने, दोनों का 73 आया, 73 से ने डिवाइड किया तो 15 और 16 आ गया, तो 15 अपॉन 16 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। कभी भी आप जब भी HCF कैलकुलेट कर लोगे, इट मींस HCF वो नंबर है कि उससे छोटा आप मींस सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो इसलिए हमने इनके HCF से इनको डिवाइड कर दिया, सो जो आपकी टर्म आई 15 अपॉन 16 वही उसका क्या होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म होगी, इट मींस ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर, ठीक है? तो आपने देखा HCF कैसे कैलकुलेट किया, ऑब्वियसली हम लोग छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू को डिवाइड करते हैं, सो इसलिए 1095 हमने इस साइड लिखा एंड 1168 इस साइड लिखा, कभी भी बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को डिवाइड नहीं कर सकते, सो छोटी से बड़ी को करते हैं, इसलिए छोटी वाली वैल्यू हमने डिविजन एंड बड़ी वाली वैल्यू हमने डिविडेंड मानी, ओके? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, Euclid's division lemma states that for any positive integers a and b, there exist unique integers q and r such that a equals to bq plus r, where r must satisfy. Guys, आप अच्छे जानते हैं कि जो r की condition होती है वो हमेशा 0 less than equals to r but less than b. जो remainder होता है, b क्या होता है यहाँ पर, divisor होता है, means जो आपका divisor होता है उससे हमेशा छोटा होना चाहिए, 0 के इक्वल भी हो सकता है और 0 से बड़ी वैल्यू भी हो सकती है, मीन्स 0 भी हो सकता है, रिमाइंडर 2 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, लेकिन डिविजर से हमेशा छोटा होगा, डिविजर के इक्वल नहीं होगा कभी भी, डिविजर अगर जब तक डिविजर के इक्वल है तब तक तो हम डिवाइड करते जाएंगे, सो डिविजर के इक्वल नहीं होगा, डिविजर से हमेशा छोटा होगा, और यहाँ पर बी हम आपका डिविजर है, तो ध्यान रखना इससे आपको टर्म याद हो जाएगी, जो रिमाइंडर है वो 0 के इक्वल हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन डिविजर से छोटा होगा, इट मीन्स ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 इज गिवन दैट ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 143 लीव्स रिमाइंडर लीव्स 31 एज रिमाइंडर, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 13। सो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज में भी सॉल्व किया है। सो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या दिया है, 143 आपसे कहा है कि एक नंबर है, नंबर कौन सा है, कोई नंबर डिविडेंड होगा ना, किसी भी नंबर को हम डिवाइड करते हैं 143 से, इट मीन्स 143 आपका यहाँ पर डिविजर होगा,
और जो नंबर डिवाइड हो रहा है वो आपका डिविडेंड होगा, ठीक है। तो हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं, नंबर जो डिविडेंड है इक्वल्स टू 143 आपका डिविजर हो गया, क्वेश्चन आपको नहीं मालूम क्वेश्चन ही लिख लिया, एंड रिमाइंडर क्या रखता है 31 रखता है। अब आपसे पूछा है व्हाट विल बी द रिमाइंडर, नाउ रिमाइंडर क्या होगा व्हेन सेम नंबर, नंबर आपका सेम रहे और डिविजर डिवाइड हो जाए किससे 13 से। सो इस टाइप के नंबर के लिए ध्यान रखना, जो पहला आपको डिविजर दिया ये भी आपका डिविजर है, जो इससे पहले वाला डिविजर है ध्यान से देखें क्या उसके फैक्टर में 13 आता है, मीन्स जो ये सेकंड डिविजर है क्या इस पहले वाले के फैक्टर में आता है। तो 143 का फैक्टर करते हैं तो 13 × 11 आ गया, ध्यान से समझना इस बात को, क्या आ गया 13 × 11 आ गया, ठीक है। तो हम यहीं पे ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट स्टेटमेंट नहीं बनाएंगे, 13 × 11 लिख लिया। नाउ 13 × 11 क्यों प्लस आपका यहाँ से क्या आ जाएगा सेकेंड, अलग से हमने ब्रेक कर लिया 13 इसको 31 को हमने लिख लिया 13 × 2 + 5, ठीक है। 13 × 2 = 26 प्लस 5 कितना हो जाएगा गाइज आपका 31। तो हमने 31 की फॉर्म में ब्रेक कर लिया, मींस हमें 13 की फॉर्म में ब्रेक करना है जिससे हम कह सके 13 से डिविजिबल है, ठीक है। तो इसी स्टेटमेंट को, ये जो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट है ना, इसी को इस अकॉर्डिंग बनाना है कि 13 की फॉर्म में बन जाए, इस डिविजर की फॉर्म में बन जाए। तो सबसे पहले हमने 143 की फैक्टर की तो 13 × 11 आ गए। अब 31 को भी इस तरीके से लेके कि उसमें 13 आए, तो 13 × 2 = 26 एंड बचा हुआ आप रिमाइंडर में लिख देंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों से 13 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 11q + 2, 13 दोनों में से कॉमन लेके अंदर क्या रहेगा 11q + 2 + 5, ठीक है। सो यहाँ पर आपसे एक चीज क्लियर हो गई कि जो नंबर्स है व्हेन डिवाइडेड बाय 73 गिव्स व्हेन डिवाइडेड बाय 13 गिव्स रिमाइंडर 5, ठीक है। तो आप देख रहे हो ये 13 × ये पूरा क्वेश्चन की फॉर्म में आपका यहाँ पर हो गया, ठीक है। तो ये BQ + R ये पूरा एक नंबर हो गया ना यहाँ पे आपका, ठीक है। तो 13 × आपका पूरा एक यहाँ से रिमाइंडर कैलकुलेट होके आ गया कि ये क्या है आपका एक रिमाइंडर है, मीन्स जो ये नंबर है वो किसके इक्वल हो गया 13 से डिविजिबल है ना, ठीक है। तो 13 यहाँ पर आपका डिविजर हो गया, ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो ये जो बचा हुआ है ये आपका रिमाइंडर है, प्लस में हमेशा रिमाइंडर होता है, ये छोड़ दीजिए ये क्या है कैसे मल्टीप्लाई किया, ठीक है। मल्टीप्लाई करके ठीक है ये टर्म आएगी, लेकिन पूरी एक टर्म बन गई जो कि डिविजर इंटू क्वेश्चन है, प्लस में हमेशा रिमाइंडर होता है। तो डिविडेंड इक्वल्स टू डिविजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, तो ये जो पूरी टर्म है ना आपकी ये क्या है डिविजर इंटू क्वेश्चन है, ठीक है। एंड बचा हुआ इधर क्या है ये आपका रिमाइंडर है, तो रिमाइंडर क्या हो गया यहाँ से 5 आ गया, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। सो इस तरीके से ब्रेक करना है, इसे अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, 2-3 टाइम्स प्रैक्टिस कर लीजिए, एक्सरसाइज में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, एग्जाम में भी पूछने के चांसेस हो सकते हैं, राइट। सो यहाँ से आपका आंसर 5, ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। सो यहाँ पर हम इरेशनल नंबर देखते हैं, 22/7 आपका इरेशनल नंबर है, 3.1416 क्या है टर्मिनेट हो जा रहा है, वही ऑब्वियसली इरेशनल नंबर है, ठीक है। 3.7777 ये क्या है भाई, टर्मिनेट तो नहीं हो रहा लेकिन रिपीट हो रहा है, तो आपका अगर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हो तो वो भी कैसे होते हैं रेशनल होते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं टर्मिनेट भी नहीं हो रहा बट वैल्यू रिपीट भी नहीं हो रही, 14 है फिर 114 हो गई फिर 111 हो गई आगे 4 times 14 होगा, तो इस टाइप से रिपीट मतलब रिपीट भी नहीं हो रहा है एंड टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, दैट मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग वे नंबर आपके इरेशनल कहलाते हैं, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग दोनों ही चीज़ें जब फॉलो होती है तब इरेशनल होता है, अगर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग 777 रिपीट हो रहा है दैट मीन्स ये आपका रेशनल है, ठीक है। टर्मिनेट हो रहा है तो ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है, तो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन 4 की तरफ मूव करते हैं, ऑब्वियसली सब जो जानते हैं पाई क्या है आपका इरेशनल नंबर है, स्टार्टिंग में ही बता दिया था, एक्सरसाइज 2 भी में भी बताया था, एंड जो बेसिक कंसेप्ट है रियल नंबर का उसमें भी बताया था गाइस, बहुत अच्छे से डीपली कंसेप्ट मैंने बताया हुआ है, किसी ने भी वो वीडियो स्टार्टिंग के रियल नंबर की बेसिक कंसेप्ट की नहीं देखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है जाके देख लीजिएगा, अदरवाइज एक्सरसाइज 2 भी में आपका फर्स्ट ही क्वेश्चन है रेशनल इरेशनल सभी टॉपिक्स आप पूछे गए हैं, वो मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, वो वीडियोज देख लीजिएगा।
ठीक है, नाउ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. 2.35 बार इज एन क्या है गाइस? ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे 2.35 बार किसी भी डिजिट के ऊपर बार हो, दैट मींस वो वैल्यू आपकी रिपीट हो रही है. ठीक है, तो सेम डिजिट रिपीट हो रही है, क्योंकि ऑब्वियसली सेम डिजिट मींस टर्मिनेट तो नहीं हो रही, लेकिन रिपीट हो रही है सेम डिजिट. 2.355555555 सेम रिपीट हो रही है, दैट मीन्स ये कैसा नंबर होगा? रेशा नंबर होगा. अभी ऊपर हमने यही क्वेश्चन तो स्टडी किया था. देखिए ये 3.7777, इसे क्या लिख सकते हैं? 3.7 बार लिख सकते हैं. ठीक है, तो सेम यहाँ पर आपको 2.35 बार, दैट मीन्स 2.355555 टर्मिनेट नहीं होगा, चलता जाएगा. तो ये कैसा नंबर है आपका? रेशनल नंबर है. इट मीन्स ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 2.13111C, 3111C, 3111C टर्मिनेट भी नहीं हो रहा और सेम वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है, अलग अलग हो रही है. पहले 13 है, फिर 1113 है, फिर 1111C है, फिर 4 times 13 है. तो डिफरेंट नंबर, मतलब डिफरेंट वैल्यू बार बार आपकी नंबर टर्मिनेट नहीं हो रहा और वैल्यू भी रिपीट नहीं हो रही है. दैट मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, नंबर रिपीट नहीं हो रहा. जैसे 555 या 13 13 13, ऐसा तो नहीं हो रहा ना, 13 113 1111C इस टाइप से नंबर रिपीट हो रहा है. तो इट मीन्स ये कैसा है? इरेशनल नंबर. जब भी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर हो तो कैसा नंबर कहलाता है? इरेशनल नंबर. राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ मूव करते हैं गाइस. बहुत ध्यान सुनना, अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं, इनको अच्छे से समझ लेना. इस यही मार्क्स, यही जो पॉइंट्स हैं, यही एग्जाम में आपको 40 out of 40 मार्क्स अचीव करा सकते हैं. 3.2463 तो आपने यहाँ पर देखा क्या हो रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, बट 3.24 की आगे नंबर रिपीट रिपीट हो रहा है. 6363 दैट मीन्स 3.2463 के ऊपर बार, तो ऑब्वियसली क्या होगा? रेशनल नंबर होगा भाई. नंबर क्या हो रहा है? सेम वैल्यू रिपीट हो रही है, टर्मिनेट ही तो नहीं हो रहा है, लेकिन 6363 आगे तो इस 24 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. आगे देखो ना, ये वैल्यू यहाँ तक 2 decimal के बाद जो वैल्यू है वो आगे रिपीट हो रही है. 6363 इट मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल, सो ऐसा नंबर रेशनल नंबर कहलाता है. इट मीन्स ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इज एक्सप्रेसिबल एज टर्मिनेटिंग डेसिमल. सो गाइस यहाँ पर सीधा सीधा आपसे पूछा है कि कौन सा नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है. सो इसके लिए हमने एक्सरसाइज गाइस 2C की थी. ठीक है, तो 2C में हमने एक फॉर्मूला स्टडी किया था कि 2 की पावर m into 5 की पावर n, इस टाइप से जस्ट लाइक दिस इन द फॉर्म. अगर आपका जो डिनोमिनेटर है वो इस फॉर्म में बन जाता है, दैट मींस वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है. ठीक है, अदरवाइज नहीं होता अगर ये नहीं बनता. ठीक है, सो हमें देखना है सबके डिनोमिनेटर क्या इस फॉर्म में बन रहे हैं. तो ऑब्वियसली 165 तो नहीं बनेगा. इसने पूछा कौन सा नंबर बन सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इज एक्सप्रेसिबल एज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल. तो 165 ठीक है नहीं बनेगा, 30 भी नहीं बनेगा, 462 भी नहीं बनेगा, ऑब्वियसली 625 ही बनेगा. देख कर ही नंबर पता चल जाएगा, क्योंकि 5 की पावर 4, ठीक है, तो 625 है. अब भाई इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए हमें 2 की पावर m into 5 की पावर n बनानी है ना फॉर्म. डिनोमिनेटर में 5 की पावर 4 आ गया ना, तो मल्टीप्लाई में 2 की पावर 4 भी कर दो और न्यूमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं. इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, अगर आपका एक टर्म बन गई 2 की पावर या 5 की पावर, तो 2 की पावर से डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए उतनी ही पावर से. तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो वो आपका फॉर्म बन जाएगा 2 की पावर 4 into 5 की पावर 4. That means option C is your right answer. ठीक है, now बाकी भी बना के देख सकते हैं, नहीं बनेंगे गाइज आप देख लीजिएगा. ठीक है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है गाइज, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एंड इसके शॉर्ट ट्रिक भी मैं आपको बताने वाली हूँ. द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर 37/2 into 5 विल टर्मिनेट आफ्टर 1 decimal places, 2 decimal places, 3 decimal places, 4 decimal places. सो बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको सॉल्यूशन करेंगे, पहले हम सॉल्व करेंगे, देन हम शॉर्ट ट्रिक जानेंगे. ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं. 37/2 into 5, ठीक है. अब आप क्या करेंगे, 5 को भी 5 की पावर 2 बनाना होगा, तो 5 से दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यूमिनेटर को भी एंड डिनोमिनेटर को भी. चलिए कर दिया, तो अपॉन में क्या आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 25 एंड 2 2 4, 25 4 100, तो अपॉन में 100 आ गया. 37 की 5 में मल्टीप्लाई की तो 185 आ गया, डिवाइड कर दो 1.85 आ गया. दैट मीन्स आपकी डेसिमल के बाद कितने प्लेसेज हैं, 2. अब भाई मैम आपने तो बोला था कि शॉर्ट ट्रिक भी बताओगे, ठीक है, तो यहाँ का डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक, डिनोमिनेटर में जितनी हाईएस्ट पावर हो 2 की या 5 की, किसी की भी देख लीजिएगा, जिसकी पावर हाईएस्ट होगी
उतने ही पॉइंट के बाद डेसिमल प्लेसेस होंगे। क्या बोला, 2 की या 5 की भी जिसकी हाईएस्ट पावर होगी वो देख लीजिएगा, उतने ही डेसिमल के बाद आपके प्लेसेस होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 5 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, तो दोनों में से 1 बड़ा है कि 2? ऑब्वियसली 2 बड़ा है, तो कितने डेसिमल प्लेसेस होंगे पॉइंट के बाद? 2 डेसिमल प्लेसेस होंगे। सो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए, मान लेते हैं कि अपोन में ये जो पावर देख रहे हो ना ये 3 होती, तो यहाँ पर आपका डेसिमल प्लेसेस कितने हो जाते? 3 हो जाते। यहाँ पे 4 होती तो डेसिमल प्लेसेस 4 हो जाते, यहाँ पे 5 होती तो डेसिमल प्लेसेस 5 हो जाते। ठीक है, तो यहीं से डायरेक्टली देख के बता देना, वो 5 के भी हो सकते हैं मान लेते हैं। ठीक है, चलिए इसको भी बता देते हैं, मान लेते हैं 5 की पावर 5 है। आप बताइए कि भाई कितने होंगे डेसिमल प्लेसेस, तो हाईएस्ट पावर किसकी है? 5 की पावर 5 है, 2 की पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर 5 है, तो 5 डेसिमल प्लेसेस होंगे। ठीक है, अब तो नहीं कंफ्यूज हो गए ना कभी? सो ये था आपका शॉर्ट ट्रिक, जान लीजिए, बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग ट्रिक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन समथिंग इसी टाइप का, वाओ सो ग्रेट गाइस, थोड़ा सा डिफरेंट है, उसमें 2 की पावर m × 5 की पावर n गिवन थी, लेकिन इसमें नहीं गिवन है, तो इसमें आपको पहले कन्वर्ट कर लीजिए, उसके बाद बाकी का ये जो कंसेप्ट है ना ये वाला, ये आपको करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसको 2 की पावर m × 5 की पावर n में कन्वर्ट कर लीजिए। सो आइए चलते हैं, ब्रेक करते हैं, 1250 के फैक्टर कर लीजिए। क्या करेंगे? 1250 के फैक्टर करेंगे, तो 2 × 5 की पावर 4 हो जाएगा। तो यहीं से देख के बता दोगे ना, डेसिमल प्लेसेस, डेसिमल के कितने प्लेसेस होंगे? 4 होंगे। कितने होंगे? 4, क्योंकि 2 की पावर 1 है, 5 की पावर 4 है, तो हाईएस्ट पावर कितनी है? 4 है, तो कितने डेसिमल प्लेसेस होंगे? 4 होंगे। अब आइए चेक भी कर लेते हैं, q इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m × 5 की पावर n, तो यहाँ पर 2 की पावर 1 है, यहाँ पर 5 की पावर 4 है, दोनों को इक्वल बनाना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर 1 है तो 2 की पावर 3 से 4 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 की पावर 3 से डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट मीन्स 2 × 4 × 8, तो 8 से न्यूमिनेटर को भी एंड डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर दिया। सो नीचे आपका डिनोमिनेटर में 10,000 बन गया, ऊपर ये बन गया, डिवाइड करेंगे तो डेसिमल के बाद कितनी जीरो आ गई, कितनी डेसिमल वैल्यूज आ गई आपकी? 4। तो ये डेसिमल वैल्यूज कितनी हो गई आपकी? 4 हो गई। दैट मीन्स विच इज अप टू 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स, तो यहाँ से देख सकते हैं कितने प्लेसेस हैं डेसिमल्स के? 4 हैं। और वही हमने ये कंसेप्ट ना करके हमने यहीं से डायरेक्टली बता दिया था कितने होंगे, 4 होंगे। सो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। ओके, सो ये मस्ट है, इस टाइप ऑफ क्वेश्चन गाइस पक्का आने वाला है, सो इसलिए अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, नाउ द नंबर 1.732 इज ए, कैसा नंबर है? सिंपल यार, टर्मिनेट हो रहा है। ठीक है, ठीक है, डिफरेंट वैल्यूज है लेकिन टर्मिनेट तो हो रहा है ना, आगे डॉट 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 तो नहीं है ना, तो टर्मिनेट हो रहा है, तो ऑब्वियसली रेशनल नंबर है। चलिए आगे 21 की तरफ मूव करते हैं। A and B are two positive integers such that the least prime factor of A is 3 and least prime factor of B is 5. Then least prime factor of A plus B is. So इसका solution देख लेते हैं। Least prime factor of positive integer A is 3 and B is 5. A का 3 है and B का कितना है? 5 है। ठीक है, जो 2 है, neither factor of A nor B. 2 किसी का भी factor नहीं है. So A and B are odd number. ठीक है, ए एंड बी कैसे हैं आपके? ओड है, क्योंकि 2 तो फैक्टर नहीं है, अगर 2 3 मतलब 2 का फैक्टर होता है 6 होता है, तो 2 3 6 तब तो हम कहते हैं इवन नंबर होता है, लेकिन 2 इनमें से किसी का फैक्टर नहीं है, 3 और 5 ऑब्वियसली जानते हैं ओड नंबर होते हैं। सो सम ऑफ टू नंबर्स, सम ऑफ टू ओड नंबर्स इज इवन, तो आप जानते हैं कि सम ऑफ टू ओड नंबर्स इज इवन होता है, मीन्स अगर हम दो जो ओड नंबर्स होते हैं उनका सम करते हैं तो हमेशा इवन आता है, किसे भी कर लीजिए, 3 + 5 = 8, ठीक है, 3 + 7 = 10, राइट, एंड 5 + 10 आपका कितना हो गया? 15 हो गया। ठीक है, तो आपका नंबर, सॉरी 10 तो आपका इवन हो गया ना, तो 5 + 9 अगर हम ऐड करते तो 14 होता है, तो सम ऑफ टू ओड नंबर हमेशा क्या कहलाता है? इवन कहलाता है, एंड डिविजिबल बाय होता है 2 से, विच इज लीस्ट प्राइम फैक्टर, वो होता है आपका लीस्ट प्राइम फैक्टर। ठीक है, सो यहाँ से आप देख सकते हैं ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर, तो यहाँ से आपका लीस्ट प्राइम फैक्टर पूछा था ए प्लस बी का, वो क्या है? 2 है। कैसे आया आंसर गाइज, ध्यान सुनना, ए और बी आपके 3 और 5 दिया है, ए प्लस बी का लीस्ट प्राइम फैक्टर पूछा है, दोनों को सम किया, 3 + 5 कितना हो गया आपका? 8 हो गया। ठीक है, अब ये 2 से डिविजिबल है, यस 2 से डिविजिबल है। ठीक है, और ये इसका ये मेन क्या हो जाएगा आपका? यही आपका इवन, मीन्स 2 आपका क्या रहेगा? लीस्ट प्राइम फैक्टर, छोटा देखना है ना, बड़ा नहीं देखना, तो लीस्ट प्राइम फैक्टर, छोटा प्राइम फैक्टर क्या होगा आपका? 2 हो जाएगा यहाँ पर, छोटा फैक्टर क्या होगा यहाँ पर? 2।
ठीक है, तो टू इज योर राइट आंसर. ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. यहाँ पर हम लोग चलिए क्वेश्चन नंबर 23. रूट टू इज अ रेशनल नंबर. इरेशनल नंबर यार ये तो एक्सरसाइज 2D हमने सॉल्व की है. रूट टू हमारा इरेशनल नंबर है, सभी को मालूम है रूट की वैल्यूज है. ठीक है, जब आप इसकी वैल्यूज ओपन करेंगे तो पॉइंट के बाद डिफरेंट वैल्यूज, ऑब्वियसली रूट की वैल्यूज भी आप जानते हैं रूट टू की 1.414, मतलब डिफरेंट वैल्यूज होती है, सेम नहीं होती, रिपीट होती रहती है. मतलब जो वैल्यू होती है वो टर्मिनेट नहीं होती, डिफरेंट वैल्यू रिपीट होती रहती है. ठीक है, तो इसलिए ये इरेशनल नंबर होता है. नाउ वन अपॉन रूट टू ये कैसा नंबर है गाइज, ये भी ऑब्वियसली आपका इरेशनल नंबर है. इस टाइप का नंबर भी हमने एक्सरसाइज 2D में किया था. कभी भी अपॉन में रूट टू हो तो क्या करेंगे, इस तरीके से डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर दोनों को रूट टू से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा रूट टू अपॉन टू, और रूट टू है तो ऑब्वियसली इरेशनल नंबर है. ठीक है, तो यहाँ पर भी ये भी आपका इरेशनल नंबर होगा. टू प्लस रूट टू इज एन इरेशन एंड इरेशनल, ये भी हमने किया है एक्सरसाइज 2B में. जितने भी स्टूडेंट्स ने टू डी में जितने भी स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2D किया है वो इनके आंसर बहुत इजीली दे सकते हैं. टू प्लस रूट टू हमेशा क्या होगा आपका इरेशनल नंबर होगा. दैट मींस ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ मूव करते हैं. व्हाट इज अ लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 10. अब यहाँ पर आया मेन कंसेप्ट डिविजिबल बाय. इससे पहले क्वेश्चन में क्या था डिवाइड्स, ठीक है, तो HCF कैलकुलेट करते थे, यहाँ आ गया डिविजिबल बाय. राइट, तो डिविजिबल बाय मतलब LCM. ये लीस्ट यहाँ पे ये भी दे सकता था व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय फ्रॉम 1 to 10. तो गाइस तब भी आप HCF नहीं कैलकुलेट करना ग्रेटेस्ट नंबर, अगर ध्यान ले दिया कन्फ्यूजन के दे देंगे, ऐसे एक्सरसाइज 2B में दिया हुआ है. ठीक है, तो जहाँ पर डिविजिबल बाय हो इट मीन्स LCM और डिवाइड्स करता हो इट मीन्स HCF. तो डिविजिबल बाय है तो आप 1 to 10 के सभी नंबर्स का क्या ले लेंगे LCM ले लेंगे, और जब हम LCM लेंगे तो उनके ये फैक्टर आएंगे आपके जो हम लोग जब ऑल डिविजिबल बाय ऑल द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 10. तो गाइज हमने क्या किया इन सभी नंबर्स का LCM ले लिया, और जब हमने LCM लिया तो इनका जो सॉल्यूशन आया है सॉल्व करके 2520, देखो 2235. अब सोचोगे इससे आगे तो है ही नहीं, यहाँ तो बहुत सारे डिजिट है. अरे भाई ये भी तो बची हुई हैं, इनको इसलिए नहीं डिवाइड किया क्योंकि ये सिंगल सिंगल वैल्यूज हैं, क्यों फैक्टर को बढ़ाना. आगे 7 से डिवाइड करो तो 1 हट जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 हट जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 हट जाएगा. तो 2, 2, 3, 5, 7, 2, 3 ये सब क्या है इसके LCM के फैक्टर हो गए, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2520. दैट मीन्स ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर. सो आपने देख लिया. अच्छा, बोथ इंक्लूसिव, इनका मीनिंग क्या है, बोथ इंक्लूसिव मीन्स 1 और 10 भी आते हैं. ठीक है, सो 1 और 10 भी उसमें इंक्लूड करना है. एक्सक्लूसिव होता तो 1 और 10 को हटा देते, 2 और 9 तक का आता. राइट, तो बिटवीन होता तो तब भी हमें इस चीज़ को दिया होता है, मेंशन होता है बिटवीन मीन्स उनके बीच वाली वैल्यूज का. ठीक है, तो अगर इंक्लूडिंग दे दिया तो इंक्लूड करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे. ठीक है, सो ये था गाइज आपका RS अग्रवाल के सभी MCQs पेपर का सॉल्यूशन जो आपको दिए हुए हैं. RS अग्रवाल की बुक में MCQ क्वेश्चन, इसी तरीके से सभी चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्यूशंस आपको अवेलेबल किए जाएंगे गाइज. एंड इनसे अलग भी जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं और इस ईयर सिलेबस आ रहा है उनमें क्वेश्चंस आ रहे हैं वो भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे. केस स्टडी भी आपको प्रोवाइड की जा रही है, बहुत सारी आपको चैनल पर अवेलेबल भी करा दी गई है. सो जल्दी से सॉल्व कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, वीडियो समझ आइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए. एंड स्पेशल थिंग कि आप प्रिंसी एजुकेशन ब्लॉगर पे जाकर ब्लॉग्स देख सकते हैं जिसमें मैंने आपको हिस्ट्री की इंग्लिश की सभी PDF फाइल वहाँ पर प्रोवाइड की, जिसमें आपके 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन है, MCQ क्वेश्चंस. सो ब्लॉगिंग देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, सो वहाँ से आप सभी ब्लॉग्स देख सकते हैं, डेली आप लोग के लिए अपलोड होते हैं जिसमें चैप्टर वाइज हिंदी इंग्लिश SST वो आपको हेल्पफुल रहेगा. एंड एग्जाम पर्पज से किस टाइप के चैप्टर से क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा. ओके, सो जल्दी से फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिएगा. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर.